जी भैया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस बाबा यही लेने से आज मंत्री जी हमारे गांधी सेना कार्यालय पर आए। हमने विभिन्न मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई, जिसमें जनपदीय की समस्याएं थी, जिसमें काशीराम आवास कॉलोनी में बहुत सी समस्याएं थी, कुछ आमलेट क्षेत्रीय समस्याएं थी, उनके बारे में उनको अवगत कराया। साथ ही पिछले दिनों जो क्रांति सेना के लोगों पर जो मुकदमे हुए थे मेहंदी जाति के दौरान, जो फर्जी मुकदमे हुए थे, हमने उन्हें वापस लेने की मांग करी है। साथ ही हमने ये मांग करी है कि जो मुकदमे सपा सरकार के समय पर जो हिंदू कार्यकर्ता पर जो मुकदमे हैं वो सभी वापस कराए जाएँ और हिंदू नेताओं को शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता से बनवाए जाएँ, ये मांगे आज हमने माननीय मंत्री से करी है। मंत्री जी ने सभी बातों को हमारी पूरा करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि अधिक से अधिक लाइसेंस हिंदू नेताओं के बनवाए जाएंगे। आज क्रांति सेना के ऑफिस पे आप बता रहे किस तरह की चर्चाएं हुई क्रांति सेना से? और कुछ नहीं, मित्रता है, हमारे सब मित्र हैं, पुराने संबंध हैं, शहर के सब सम्मानी लोग हैं, अपना संगठन चलाते हैं, बहुत लंबे समय से सामाजिक रूप में काम करते हैं। तो आज विजयदशमी का पर्व, अपनी शुभकामना देने के लिए हमें शस्त्र पूजन भी है। शस्त्र पूजन पूरे देश में हो रहा है, विजयदशमी का पर्व शस्त्रों का ही प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जितने भी देव हैं, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भगवान राम ने सारा सब कुछ त्याग दिया और सारा राजपाट, सारे सिंहासन, सारी सुविधाएं, सारी जितने भी एक तरीके से राजा के नाते उनको उपलब्धियां थी, लेकिन शस्त्र लेकर के फिर भी वो वनवास के अंदर गए। इसका मतलब ये हुआ कि शस्त्र का बहुत महत्व है। शस्त्र सुरक्षित है तभी शास्त्र सुरक्षित है, इसलिए शास्त्रों की रक्षा के लिए शस्त्र आवश्यक है। बस ये कि शस्त्र का सदुपयोग उस समय पर हो, उसका दुरुपयोग ना हो, और जब आवश्यकता पड़े दुष्टों के संहार के लिए हमेशा बड़े बड़े हमारे देवताओं ने जो हमारे पूज्य हैं उन सब लोगों ने शस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन तब किया जब उसकी आवश्यकता पड़े, यानी उसके लिए विवेक और बुद्धि की भी आवश्यकता है। ये मेरा विजयदशमी के पर्व पर सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं। जी, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम क्रांति सेना के कार्यालय पर प्रतिवर्ष होता है, और चूँकि क्रांति सेना का मानना है कि शस्त्रों से ही धर्म, संस्कृति और शास्त्रों की रक्षा हो सकती है, और आज के दिन मैं सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देने के बाद ये आह्वान करता हूं कि हर हिंदू युवा को शस्त्र धारण करने चाहिए, और जिस तरीके से भगवान श्री राम ने अन्याय के खिलाफ़, अत्याचार के खिलाफ शस्त्र धारण किए, उसी परंपरा को निभाते हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बुलंद आवाज करने के लिए शस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए।